वाहनों के टैक्स जमा करवाने को लेकर परिवहन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के टैक्स जमा करवाने और मिलने वाली छूट का लाभ उठाने के लिए 15 मार्च अंतिम तिथि के रूप में घोषित की गई थी। टैक्स जमा कराने की तारीख घोषित किए जाने के बावजूद भी जिन वाहनधारियों ने तय तिथि तक टैक्स जमा नहीं करवाया, परिवहन विभाग ने उन वाहनों के खिलाफ जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। परिवहन विभाग के जिला परिवहन अधिकारी प्रकाश टहलियारे ने बताया कि विजयनगर और ब्यावर में 2400 वाहन रजिस्टर्ड है। इनमें से 1000 वाहनों के मालिकों ने टैक्स जमा करवाया है। अब लगभग 1400 वाहनों के टैक्स अभी भी जमा होना बाकी है। परिवहन विभाग ने बकाया टैक्स जमा कराने के लिए संबंधित वाहन चालकों को नोटिस भिजवाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। परिवहन विभाग ने टैक्स वसूली के कार्य को पूरा करने के लिए मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 40 वाहन जब्त किए। इस दौरान मौके पर ही 10 वाहन चालकों ने करीब 3 लाख टैक्स जमा करवाया। टैक्स वसूली का अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा। इस दौरान परिवहन विभाग द्वारा जाँच के समय ई रवाना के मामले में 3 वाहनों को जब्त किया गया। तीनों वाहनों से कुल 2,05,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। ये इस वित्तीय वर्ष का जो है जो कर जमा करने की आखिरी तारीख थी वो 15 मार्च थी। हमारे पास करीब 2400 गाड़ियां ऑन द रिकॉर्ड हैं जो कि एनुअल टैक्स पे करती हैं। उनमें से सिर्फ अभी तक 1000 गाड़ियों का करीब टैक्स आया है। 1400 गाड़ी करीब अभी भी पेंडिंग है। पिछले साल का जो कर है वो करीब 500 गाड़ियों बाकी है। उनमें से कुछ करीब 100 गाड़ियों ने टैक्स जमा करा दिया। तो इस तरह से करीब हमारे पास 1400 गाड़ियां भी पेंडिंग चल रही हैं जो इस साल का जिनका कर जो आखिरी जमा करने की तारीख थी वो जमा नहीं हुआ है। हमने उस बारे में सभी को आज से नोटिस देना शुरू कर दिया है। फोन कॉल भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो यहाँ जो गाड़ियों के नंबर थे हमने मिल गई रोड पर चेकिंग के दौरान, हमने करीब 40 गाड़ियाँ यहाँ पर और विजयनगर दोनों मिला के 40 गाड़ियाँ बंद कर दी हैं, जिसमें से करीब 10 गाड़ियों का टैक्स अभी आ चुका है और ये कंटिन्यूस प्रक्रिया रहेगी 31 मार्च तक जब तक सभी गाड़ियों का टैक्स जमा नहीं हो जाता। नंबर एक। दूसरा, ई रवाना में अभी तक लोगों का रुझान नहीं है तो हमने ई रवाना की करीब 3 गाड़ियां आज बंद करी हैं, जिनमें से 1-1 लाख रुपये एक ही गाड़ी से आया है, जिनके की चालान पेंडिंग थे, एमनेस्टी स्कीम योजना में पैसे नहीं भर रहे थे। तो उन 3 गाड़ियों को हमने आज करीब 3 गाड़ियां बंद हुई, जिनमें से एक में 1 लाख रुपये आया और करीब 1 से 70,000 रुपये और 30 से 35,000 रुपये। इस सारे में ई रवाना बंद होने से उन्हें डबल चालान भुगतना पड़ा। एक तो जो ई रवाना का उनका खुद का चालान था, प्लस उनके जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, तो जो 2 साल से उनका फिटनेस नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था, कुछ किसी का कोई और छोटी मोटी कमी थी, तो 10 से 15,000 रुपये वो जुर्माने भी लगे हैं। तो मेरा ये सभी लोगों से आग्रह है कि जिनका भी ई रवाना का पैसा या टैक्स में पेनल्टी में जो एमनेस्टी स्कीम में छूट मिल रही है उसका फ़ायदा उठाएं, अन्यथा गाड़ी बंद होने के बाद सारी जो है पेनल्टीज और जो है जुर्माने लिए जाएंगे।